नमस्कार साथियों, आज हम एक अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे कि भाई आप किसी भी देश में बैठे हैं, चाहे आप दुबई में बैठे हैं, चाहे आप अमेरिका, कनाडा या कहीं भी कोई किसी भी देश में बैठे हैं, इंडिया से किसी भी देश में आप जाके बैठने का मतलब, जॉब करने का मतलब या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो मतलब पैसा कमाना और अपने इंडिया भेजना या अपने अकाउंट में सेविंग करना, मेन मकसद पैसों का होता है। भाई कोई आदमी विदेश जाता है तो पैसों के लिए जाता है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप घूमने के लिए जा रहे हैं, किसी भी पर्पज से आप क्या करते हैं, अपनी कड़ी मेहनत करके अपने अकाउंट में पैसा डालते हैं। जी हाँ, आप कौन से अकाउंट में पैसा डालते हैं, NRI, आप NRI बन जाते हैं। आप किसी भी देश में रहते हैं, इंडिया के किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है। जी हाँ, दो ऐसे उदाहरण देके, लाइव एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप अपनी कठिन मेहनत का पैसा अपने अकाउंट में जमा कर रहे हैं, पता लगे पीछे से आपका अकाउंट खाली हो रहा है। जी हाँ, दो एग्जाम्पल मैं ऐसे दूंगा कि आपको रियल में मानना पड़ेगा किन चीजों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप बेफिक्र हैं भाई, बैंक में पैसा डाल के हम सुरक्षित समझते हैं, अपने रिश्तेदार को, जानकार को दे देते हैं, आपको अपने को लगता है पता नहीं यार ये पैसा वापस देगा नहीं देगा, कब देगा, थोड़ा सा संशय होता है। बैंक में पैसा डालने का मतलब श्योर है कि हमारा पैसा सुरक्षित है, और बिल्कुल सुरक्षित है, ऐसा सब जगह नहीं होता है। कुछ केस ऐसे आ जाते हैं कि उसमें अपनी लापरवाही होती है। क्या लापरवाही होती है, इससे रिलेटेड दो एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। का मैटर है भाई, जी हाँ, लेटेस्ट दिल्ली का मैटर है। बता दूं, एक NRI बंदा USA अमेरिका में था, उनका अकाउंट दिल्ली में था HDFC बैंक में। जी हाँ, उसके अकाउंट में लगभग 6-6.5 करोड़ से ऊपर की राशि पड़ी थी। काफी टाइम से अकाउंट था वो इनएक्टिव था, यानी लेन देन नहीं हो रहा था। भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं पैसे वाले, वो अकाउंट में पैसा डाल के भूल जाते हैं, उनको मतलब ही नहीं होता अपने खाते में पैसा कब डाला था, कितना है, कितना इंटरेस्ट रहा, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा होता है तो वो ध्यान नहीं देते। अब बंदे ने क्या किया, काफी टाइम से, साल दो साल से अकाउंट था वो इनएक्टिव था, पैसे पड़े थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। बैंक के कुछ कर्मचारी थे, उनकी नजर उस अकाउंट में पड़ गई। ये एक गिरोह होता है, ये गिरोह के तहत ये काम किया जाता है। 12 लोगों को पकड़ा गया है, जी हां, जिसमें 2 या 3 HDFC के कर्मचारी थे। उनकी, देखिए किसी भी बैंक में कुछ गलत होता है तो बैंक के कर्मचारी हैं वो शामिल होते हैं, वरना बैंक के सॉफ्टवेयर में, बैंक के सिस्टम में जाके कोई ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। जी हाँ, NRI के अकाउंट में लोगों की नजर पड़ गई इनकी, इन्होंने एक टीम बनाई। बता दूं 67 टाइम्स ट्राई की गई उनके अकाउंट में अटैक करने की, उनके नाम से क्लोन, जो उनके नंबर थे वो लेने की, उनके OTP डालने की, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कोशिश की गई 66 बार। जी हाँ, अब 66 बार यार, 66 टाइम का, अगर आप असफल बार बार प्रयास करते हो तो बंदे के नज़रों में आ ही जाते हो। तब उनको, बंदे को पता लगा जो अमेरिका में रहता है, उनको पता लगा बैंक में इनएक्टिविटी हुई है, उनके अकाउंट में अटैक किया गया 66 टाइम कि भाई मेरे अकाउंट में पैसों का लेन देन अवैध तरीके से निकालने की कोशिश की गई है। फिर उसकी शिकायत की गई दिल्ली पुलिस की, जो साइबर क्राइम स्पेशल साइबर क्राइम की टीम है साथियों, उन्होंने एक NRI के अकाउंट की जाँच की तो पता लगा कि उसमें लगभग 3 बैंक कर्मचारी थे, 12-13 लोग और थे, वो एक गिरोह था, गिरोह के तहत काम कर रहा था। फिर पुलिस ने हरियाणा में, यूपी में दबदिश देके उनको पकड़ा है। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं इन लोगों को, ये लोग ऐसी तरीके के काम करते थे, बैंकों के साथ इनका लिंक होता था जो कर्मचारी थे, कि भाई तुझे 50% 40% पैसा मिल जाएगा, हम नकली OTP बनाना, नकली OTP बना के दूसरा नंबर उसमें ऐड करवाना, इस तरह से ऑनलाइन बैंकिंग, आजकल ऑनलाइन बैंकिंग का बहुत अच्छा ऑप्शन है भाई, तो ये परमिशन ऐसा कुछ हो रहा था। इसका रीजन क्या था, बंदे का अकाउंट में पैसे थे, उसने ध्यान नहीं दिया, इनएक्टिव था, इस वजह से प्रॉब्लम आ गई। दूसरी अगर बात करें, एक बंदा कनाडा में रह रहा था, अमृतसर की बात है, तो बैंक के कर्मचारी जो मेन मैनेजर है उसको नजर पड़ गई कि ये काफी टाइम से ये अकाउंट ऐसे ही पड़ा है, 2-3 साल से इसमें पैसे पड़े, बंदा संभाल ही नहीं रहा। जी हाँ, तो उसने क्या किया कि उसके अकाउंट में 6.5 लाख रुपए थे और उसने 3.5 लाख रुपए के करीब उसने नकली, उसके नाम से फेक जो चेकबुक है वो इश्यू करवाई, चेक भर के नकली साइन करके 3.5 लाख रुपए निकाल लिए। जब मैनेजर के खिलाफ पता, उसने फिर मैसेज गया कैसे, उनको चेक किया अकाउंट को, पता लगा कि भाई मेरे अकाउंट से तो पैसे निकल गए। फिर उसने शिकायत की, पुलिस ने जांच की तो पहले से ही शक की सुई मैनेजर पे अटक गई। मैनेजर को लगा पकड़ा जाएंगे, बंदा दुबई भाग गया, दुबई घूम के एयरपोर्ट पे पहुंचा दिल्ली पे, पुलिस ने LOC जारी की कर दी थी। LOC का मतलब ये होता है कि भाई पूरी इंडिया के जितने भी एयरपोर्ट हैं उन पे उनका पासपोर्ट नंबर, उनकी पूरी इंक्वायरी चली जाती है और
जैसे ही उनका पासपोर्ट आप किसी भी देश से आते हैं तो आपका पासपोर्ट स्कैन होता है तो उसमें रेड निशान आ जाता है, तो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, भाई आ जाए तो इधर आ जा। तो दिल्ली पुलिस उस मैनेजर को पकड़ के गिरफ्तार करके लेके आई है। जी हाँ, ये देखिए कहीं ना कहीं हम लोगों की लापरवाही होती है। आप लोग पैसा कमा रहे हैं, बस कमाने पर ध्यान दे रहे हैं, बैंक में इकट्ठे किए जा रहे हैं, ध्यान नहीं देते। तो आजकल आपको पता है भाई, सोशल मीडिया है और साइबर अटैक सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। सरकार के ऊपर तो लोग हमला कर देते हैं, साइबर अटैकर जो होते हैं, तो आप लोग तो इतने बड़े नहीं है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, समय समय पे अपना अकाउंट जरूर चेक करते रहिए। महीने, दो महीने, तीन महीने से चेक करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है, ताकि आपको पता लगता रहे भाई आपका कितना पैसा है, कितना उनको इंटरेस्ट मिला है, उसमें कोई इनलीगल एक्टिविटी तो नहीं हुई है, बैंक की तरफ से कोई मैसेज तो नहीं आ रहा है, साइबर अलर्ट का कोई मैसेज नहीं आ रहा है। इस तरह से ध्यान रखने की सख्त जरूरत है। आई होप ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।